मुन्ना भैया वापस आते थे मिर्जापुर में, और क्या अब किंग ऑफ मिर्जापुर मुन्ना भैया बनेंगे? तो दोनों सवाल का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा, और दोनों का हाँ और ना दोनों एक साथ है, कैसे वो तुम्हें इस वीडियो में समझाऊंगा आराम से। तो हाँ, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे बोनस एपिसोड ऑफ मिर्जापुर सीजन 3, जिसको तुम एपिसोड 0 भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें सीजन 3 के जो डिलीटेड सीन है वो सारे इकट्ठे करके हमें दिए गए हैं, जिसपे मुन्ना भैया कमेंट्री कर रहे हैं। क्यों मुन्ना भैया, मुझे पता है आप मेरा स्वैग नहीं झेल पाए, बट ये गलत बात है, आप मेरी जॉब खाने आ गए, अभी तो 100 भी नहीं हुए मेरे। देखो मेरे को पता है मेरा स्वैग इतना अच्छा है कि मुन्ना भैया भी कॉपी करने चाह रहे, पर मुन्ना भैया अपना मिर्जापुर संभालेंगे, ठीक है मिर्जापुर तो किसी और ने संभाल लिया और बंदी भी। तो शुरुआत ऑफ दी एपिसोड में बताया जाता है कि मुन्ना भैया सिर्फ आए हैं तुम्हारे लिए, हाँ जस्ट फॉर यू। वो अपने मुंह से कहते हैं, प्रिय मुख से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे इतना चाहते हो। कुछ चीजें मिस की है आप, वो हम खोज के ले आए जस्ट फॉर यू मुन्ना त्रिपाठी के सौजन्य से। कैसे आए वो एंड ऑफ दी एपिसोड पता चलता है, ठीक है रियलाइजेशन सबको ही है, पर वो भी एक तरीके से वही है, फोर्थ वॉल ब्रेक करके करके बस स्वर्ग का इंसान नहीं होता, बस बात करने आया आत्मा रूप में, वैसे ही आए हैं। हाँ तो इस स्पेशल एपिसोड में तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे स्पॉयलर्स अगर तुमने स्टोरी नहीं देखी है, और अगर देख रखी है तो इसमें मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे डिलीटेड सीन, जिनको स्टोरी से अगर निकाल दिया गया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कुछ ज़्यादा मतलब रखते नहीं है ये स्टोरी में, और ऐसा नहीं कुछ दिखा देंगे कि अरे भाई ये नहीं देख तो क्या देखा, मिर्जापुर तो पूरा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब तुमने देख लिया, और हाँ मिर्जापुर कंप्लीट है इन सारे सीन्स के बिना। तो अब हर बंदा कमेंट्री करेगा तो व्हाई नॉट मिर्जापुर के रियल किंग या प्रिंस कह लो, वो खुद ही अपने शो पर कमेंट्री करें, जब तक कमेंट्री चलेगी तो मजा आएगा। चलो इतना ओवरव्यू सही है, अब बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से सारे रिलेटेड सीन्स या जो मेरे को पसंद आए उन पे, और क्या इंपॉर्टेंस है उनका इस पूरी मिर्जापुर के सीजन 3 में, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है मैं बता रहा हूँ। पहले इसमें एक डिलीटेड सीन है जिसमें गुड्डू भैया अपने घर पर बैठे होते हैं, जैसे कि सीजन 3 में दिखाया हुआ है, वो अपने घर विजिट करते हैं और ऐसे विजिट करते हैं कि जैसे वो मिर्जापुर उस घर में मिले, बट उस घर के मिर्जापुर पता होना चाहिए कौन है, ऑब्वियसली रमाकांत पंडित, और पंडित जी के सामने फालतू नहीं बोलेंगे, वो अलग बात है वो अभी जेल में, पर वो अपने शिष्य को छोड़ के गए हैं, तो मैं नहीं समझ आ रहा, तो मैं रॉबिन की बात कर रहा हूँ, और रॉबिन का इंटरेक्शन दिखाया जाता है गुड्डू भैया और उनकी फैमिली से, उनकी माता जी को मम्मी कहना गुड्डू भैया को बिल्कुल पसंद नहीं आना, उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि आई डोंट लाइक दिस गाय, आई दिस डूड इज इन माय होम, समझ आ रहा था उनकी आंखों से, तुम तो गुड्डू चले गए, तुम्हारा भाई ऊपर चला गया, तुम्हारे पापा जेल चले गए, अब कोई फैमिली में भी तो होना चाहिए जो संभाले सबको, हाँ दो लोग हैं पर उन्हें भी तो संभालने की जरूरत है। और जब मैं पीछे एपिसोड में था तो मेरे को ख्याल आया कि अभी तो सर सही से मेरा चैनल चालू भी नहीं हुआ और आप इसमें भी आ गए, वो अलग बात है एक साल से कर रहा हूँ दुकान का शटर ओपन ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो रहा है धीरे धीरे, आई एम हैप्पी विद दिस ग्रोथ। जब 2 सब्सक्राइबर ऊपर दिखते हैं ना दूसरी बार, जब तुम यूट्यूब स्टूडियो ऑन करो और 2 सब्सक्राइबर ऊपर दिखे, स्माइल आती है वो चेहरे पे, वो शायद से ना आए ऊपर जाके, ऊपर जाके मतलब मरने के बाद नहीं, मतलब ग्रोथ के बाद, ठीक है तुम सालो। और इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है मुन्ना भैया का कॉलेज वाला सीन, कि उनका भौकाल अभी भी बरकरार है, गुड्डू पंडित आ गए हूँ मिर्जापुर में राजा बनने के लिए, गद्दी आगे आने के लिए, बट अभी भी मुन्ना भैया की कहानी वही है और पावर भी वही है, क्योंकि जो उसके कॉलेज के लौंडे हैं वो अभी भी मुन्ना भैया को एज अ आइडियल देखते हैं, कट्टा लेके चलते हैं जेब में, और जेब में उस कट्टे पे लिखा होता है मुन्ना भैया का नाम, क्योंकि आइडल है हमारे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। बट जब बात आती है जान पे, और जान पे तो ऑब्वियसली तुम जान को चूज करोगे तभी तो जान देखोगे, इसलिए मुन्ना भैया को टाटा कह के वो मिल जाते हैं गुड्डू भैया की फैक्ट्री में, टाटा फैक्ट्री, वो डबल ऑनट्रोंडो हो गया, अब तो मैं नहीं पता, मुझे देख लेना कहाँ बोला है क्या बोला है, अब तो मैं नहीं समझ आया तो तुम गूगल कर लेना। तो इस एपिसोड में मुन्ना भैया पूछते हैं कि सबकी फैमिली ऐसी ही होती है क्या, छोटा त्यागी की देख लो या तुम किसी और की देख लो, मुन्ना भैया की खुद की देख लो या गुड्डू पंडित की देख लो। तो मैं बताना चाहूँगा मिर्जापुर जैसी सबकी लाइफ में मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है और मेरी फैमिली बढ़िया है। और फिर हमें दिखाया जाता है छोटा त्यागी की बातचीत शरद के साथ, के दो चीते बातचीत कर रहे हैं, अगर गोलू तुम्हें मिले तो तुम हमें दोगे, मतलब ये छोटा त्यागी बोल रहा है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें पता है कि वो उसी को देता, शरद को क्यों ही चाहिए गोलू, उसके पास है जो चाहिए थी उसको संतूर मम्मी। और फिर मुन्ना भैया अपनी तकलीफ के बारे में बताते हैं, जो कि उन्हें मारने पर मिली थी गुड्डू भैया की बीवी, खुद की लवर और गोलू की बहन को, और वही सेम तड़प या तुम कह सकते हो तकलीफ होने वाली है किसको, छोटा त्यागी को, क्योंकि गोलू को मारना चाहता है,
तो मैं पता है कैसे मारना चाहता है, वो दोनों तरीके से मारना चाहता है, पहले वैसे मारेगा और फिर वैसे मारेगा, तुम समझ गए, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और फिर आता है अल्टीमेट सीन, जब तुम सीरीज देख रहे हो तो तुमने भी सोचा होगा कि अगर आज हन्ना भैया जिंदा होते तो तुम्हें तो गाड़ी देते शायद, क्योंकि तुमने जो ये किया है भाभी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश, पर भाभी ने उसी जाल को तुम्हारे गले में लपेट के तुम्हें शमशान घाट पहुँचा दिया, वो वाली चीज़। हाँ तो वो फील होती है अच्छी। तो हाँ, जो शरद ने खेल खेला सीएम साहिबा के साथ, सीएम साहिबा ने उसको टिट फॉर टैट कर दिया, इसको थोड़ा रिंग फ्रेस करते हैं पूर्ण रिवर्स कर दिया, वो थोड़ा अजीब लग रहा था, यू नो क्यों। और इस डायलॉग के बाद जो मुन्ना भैया ने हमें दिए शरद के लिए कि गधा कभी भी घोड़ा नहीं बन सकता है, उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि गधा मतलब हाँ शरद की बात हो रही है, शरद सीएम जी से थोड़ा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है और सीएम जी खुद क्लोज आ गए, फीलिंग सैड फॉर मुन्ना भैया, बट मुन्ना भैया आप भी थोड़े खराब थे अपने टाइम में। और मूवी का सबसे बेस्ट सीन था जो किसी भी लीड कैरेक्टर के बीच में हो नहीं रहा, तो मैं पता नहीं है, तो जरीना और सेक्रेटरी ऑफ सीएम के बीच में बातचीत हो रही है और उसमें बातचीत होते जरीना पूछती है कि तुम अभी तक यादव की पूरी जो ये पार्टी है उसके साथ क्यों हो, तुम्हें बहुत सारे अच्छे ऑफर्स आते होंगे तो तुमने वो कभी चूज क्यों नहीं करा, तो वो एक चीज कहता है जो मेरे को छू गया कि मुझे सिर्फ चाहिए होता है कि मैं सच के साथ खड़ा हूँ और मेरे को रात को नींद बढ़ गया है, बस ये दो चीजें मेरे को चाहिए और मुझे लगता है कि मैं सही के साथ खड़ा हूँ और मेरे को रात को नींद बढ़िया आती है। और हाँ, इसकी बात नहीं कर रहा था मैं, इसकी बात कर रहा था कि अपने सही और गलत को कभी भी दूसरे की आंखों में मत देखो, जो तुम्हारे दिल को फील होता है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए सबसे सत्य है और तुम्हारा सच है। चलो हाँ, आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत रखते हैं इस एपिसोड से रिलेटेड। तो हाँ, इसके आगे जो भी होने वाला वो मेरी पर्सनल बातचीत है, तो मैं अगर स्किप करना तो तुम बहुत आराम से कर सकते हो, बट मत करो प्लीज़। तो अब बात करते हैं 30 Days 30 Videos के बारे में। हाँ, चैलेंज पूरा हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, बट हाँ मैं तुम सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मैं अपने कॉन्टेंट में इजाफा करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, इट्स नॉट ईजी टू मेक डेली वीडियोज, ठीक है, ये सच है, क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूँ उसके बाद देखो बहुत झमेला होता है जब दोबारा, बट एट दी एंड मुझे पता होता है कि मेरे को वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ खड़ा होता हूँ इससे बात करता हूँ, क्योंकि तुम लोग देखो चाहे वो 4 हो, कभी 40 होते हैं, कभी 20 होते हैं, बट मुझे पता है कि वो धीरे धीरे ग्रो ही होंगे। और थैंक यू जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है, मैं कह सकता हूँ मेरे नोन में शायद सर वो 10 लोग ही होंगे, उससे ऊपर मैं नोन को नहीं जानता, पर ये सब इसलिए क्योंकि मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बट इफ़ यू डोंट लाइक माई कॉन्टेंट कोई नहीं, जब ग्रो होऊंगा तब कर लेना यार अगर अच्छा लगूँ तो। तो हाँ, इसी बातचीत के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नींद से दुरुस्त रहना और आते रहना फ्लो वर्ल्ड पे वापस, क्योंकि मैं तो आऊँगा, कब आऊँगा, शायद से कल परसों नरसों, या कंटिन्यूइंग दिस एपिक वीडियो चैलेंज टुडे 50 मे बी। चलो मिलता हूँ, बाय बाय।